हेलो दोस्तों, इंडियन ऑयल का शेयर प्राइस 30 जून को आप देखेंगे बिल्कुल अचानक से गिरा हुआ है। तो सबसे पहली बात, आपको पैनिक नहीं होना है क्योंकि ये बोनस एडजस्टमेंट हुआ है और इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और बोनस एडजस्टमेंट के कारण यहाँ पर जो डिविडेंड है वो भी एडजस्ट हो जाएगा, तो इन दोनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं ये 29 तारीख को निफ्टी का इंडियन ऑयल का डेटा, जहां पर आप देख सकते हैं 29 तारीख को 109.85 मतलब 110 के आसपास जो इंडियन ऑयल का जो शेयर प्राइस है ये बंद हुआ है 29 तारीख को, ठीक है। अब 30 तारीख को जब ये ओपनिंग होगी तो ये 72.2 के आसपास ये ओपनिंग होगी। तो जब भी आप देखेंगे शेयर प्राइस कुछ 70-75 जैसे भी मार्केट की मूवमेंट होगी उस हिसाब के आपके पास आपको देखने को मिलेगा कि शेयर प्राइस मूवमेंट कर रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर बोनस एडजस्टमेंट हुआ है। और अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है, समझ लीजिए ये जो 30 तारीख से पहले आपके पास ऑलरेडी शेयर है, तो आप बोनस के लिए एलिजिबल यहां पर होने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है। और चूंकि कंपनी बोनस दे रही है तो ये बोनस का जो रेशियो है ये होने वाला है 1:2 का बोनस का रेशियो। तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। मतलब अगर आपके पास दो शेयर है इंडियन ऑयल के तो आपको एक शेयर मिलेगा, समझ लीजिए आपके पास 10 शेयर है तो आपको 5 शेयर मिलेंगे, तो टोटल 15 शेयर हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 60 शेयर है तो और 30 शेयर ऐड हो जाएंगे तो 90 शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। अब आपकी जो बाइंग प्राइस है वो भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। बाइंग प्राइस के लिए मैंने एक बहुत सिंपल फॉर्मूला यहां पर नीचे दिया हुआ है, ये 2:2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए आपकी बाइंग प्राइस समझ लीजिए 90 रुपीज की है, ठीक है, 90 रुपीज की है तो 90 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ और डिवाइड कर दीजिए 3 के साथ, तो टोटल 60 का वैल्यू आएगी। तो मतलब आपकी जो नई बाइंग प्राइस जो हो गई वो 60 की हो गई, क्योंकि शेयर प्राइस नीचे गिर गया है 70-72-73-75 के आसपास होगा, तो आपकी बाइंग प्राइस भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी और यहाँ पर आपको जो है एक्स्ट्रा बोनस शेयर भी यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब मैं आपको डिविडेंड के बारे में बताता हूं दोस्तों। अब डिविडेंड पर भी इंपैक्ट होगा। देखिए 9 रुपए का ऑलरेडी डिविडेंड मिल चुका है, मैं यहाँ ऊपर 9 रुपए लिख देता हूँ, ऑलरेडी मिल चुका है। जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर है पुराने शेयर होल्डर से उनको मिल चुका है, पूरा पिछले साल में मिल चुका है, ठीक है। अब इस बार का डिविडेंड 3.60 रुपीज का उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। अब ये इंपैक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.40 रुपीज का, और बिल्कुल लेटेस्ट है, इसकी भी डेट आ चुकी है, 11 अगस्त है एक्स डिविडेंड डेट। अब इसको समझना है, इसके लिए दो टाइप के इन्वेस्टर हो सकते हैं। पहले जो इन्वेस्टर्स को बोनस शेयर मिलेगा, ठीक है, तो जिन इन्वेस्टर को बोनस शेयर मिलेगा मतलब जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं या फिर एक्स डेट से पहले जिन्होंने स्टॉक खरीदा हुआ है, तो उनका जो जो डिविडेंड है वो 3.60 रुपया से अब 2.40 रुपया हो गया। वो कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी ये एग्जांपल दिया था, जैसे आपके पास 10 शेयर है तो 10 शेयर है आपके पास और 3.60 रुपीज अगर आप कर रहे हैं तो आपको टोटल कितना 36 रुपीज मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, बोनस के कारण आपको क्या हो रहा है, 10 शेयर आपको और 5 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाए तो आपको 15 रुपए मिल रहे हैं, सॉरी 15 बोनस शेयर मिल रहे हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा, तो 15 बोनस शेयर मिल रहे हैं, तो 15 बोनस शेयर है तो उस हिसाब से एडजस्ट भी हो जाएगा, तो वो हो जाएगा x2.4 मतलब आपका जो 36 रुपया मिलना था वो उतना ही मिलेगा। तो ऐसे ही आप सिंपल एग्जांपल, आपके पास 80 शेयर है, 100 शेयर है, 200, 500 जितने भी शेयर है उस हिसाब से आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल जितना डिविडेंड मिलना था उतना ही मिलेगा, चूंकि यहाँ पर बोनस शेयर मिल रहा है इसलिए जो फाइनल डिविडेंड अमाउंट है वो थोड़ी सी नीचे हो जा रही है, ठीक है। अब जब बोनस हो चुका है, शेयर प्राइस भी अब देखिए 72-73 में अब आ जाएगा, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स सोचेंगे चलिए शेयर प्राइस नीचे हो गया है, चलिए अब स्टॉक खरीद लेते हैं। तो यहां पर पहली बात कि अब बोनस नहीं मिलेगा। अब आप समझ लीजिए 30 तारीख को स्टॉक खरीदते हैं या जुलाई में खरीदते हैं, स्टॉक को खरीदते हैं, तो अब बोनस नहीं मिलेगा। बोनस जिनको मिलेगा वही है जिनको 30 तारीख से पहले जिनके पास स्टॉक है, ठीक है। अब अभी भी अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो आपका जो डिविडेंड भी जो है वो आपको 2.40 रुपीज का मिलेगा, क्योंकि बोनस एडजस्टमेंट तो अब हो चुका है। अगर आप जुलाई को खरीदते हैं स्टॉक, समझ लीजिए, या 30 तारीख को भी खरीदते हैं, 30 तारीख को भी स्टॉक तो नीचे जा चुका है, बोनस एडजस्टमेंट हो चुका है, तो भी आपको कितना स्टॉक कितना मिलेगा डिविडेंड, 2.40 रुपीज का ही डिविडेंड मिलेगा। और उसकी जो डेट है वो है 11 अगस्त, और फिर बाद में पेमेंट की भी डेट आ जाएगी, वो सब भी मैं आपको बता दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आपको समझ में आया होगा। आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी दोस्तों 62,000 से ज्यादा लोगों का हमको प्यार मिला हुआ है, आप भी सब्सक्राइब करके रखिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हम क्वालिटी
वैल्यूएबल एनालिसिस इंफॉर्मेशन और ट्रेंड को एनालिसिस करते रहते हैं, फोकस बिजनेस पर करते हैं दोस्तों। धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू।